नमस्कार, मैं जनमुक्ता स्वयं गौतम और अब राम मंदिर के फैसला आने में सिर्फ 8 वर्किंग डे का फासला बचा। सीजेआई रंजन गोगोई के पास अब केवल 8 वर्किंग डे बचे हैं, क्योंकि 11 और 12 को फिर से सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी और बीच में 8 ही दिन हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट बैठेगा और बैठेगा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता। तो राम मंदिर के फैसले को अब 8 दिनों के अंदर ही हो जाना है और 8 तारीख से उम्मीद की जा सकती है कि 8 तारीख के बाद कभी भी ये फैसला आ सकता है। उसके अलावा कई और फैसले हैं जो कि रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठों के हैं और उनके भी फैसले वो अपने रिटायरमेंट से पहले करना चाहेंगे, जिनमें सबरीमाला केस है, एक RTI वाला केस है, दूसरा राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री को चोर कहने वाला केस है। तो इस तरीके से ये जो मामले हैं इनके निपटारे होने हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मामला है वो राम मंदिर का मामला है और इसको लेकर तमाम दुनिया की जो निगाहें हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगी हुई हैं और उसके अलावा जो 130 करोड़ भारतीय भारत में रहते हैं वो सब के सब, उनके भी ऊपर ये सब निगाहें लगी हुई हैं कि वो इसके बाद जब फैसला आएगा तो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। और इसको लेकर अब तमाम जो संगठन हैं, तमाम जो समझदार लोग हैं, उनकी तरफ से लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि फैसला जो भी आता है आपको शांतिपूर्वक उसको मानना है। और इसकी शुरुआत पहले RSS ने की। RSS ने अपने सभी संगठनों को, सभी लोगों को संदेश दिया कि राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको शांति से और देश के हित में उसको मानना है। इसके अलावा जमीयत उलेमाए हिंद के जो सदर हैं मौलाना अरशद मदनी, उन्होंने भी कहा है कि जो भी फैसला आता है उसको मुसलमानों को मानना चाहिए। इसके अलावा फिरंगी महल ने भी कहा कि जो भी फैसला आता है उसको लेकर हम जुमे की नमाजों में भी लोगों को समझाएंगे कि आप उसको मानने के लिए तैयार रहिए। उसके साथ साथ जो स्थानीय प्रशासन है, उत्तर प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है, इनकी तरफ से भी अपनी जो पूरी की पूरी तैयारियाँ हो रही हैं और अयोध्या में फोर्स को पूरी तरीके से तैनात कर दिया गया है। वहाँ पर किसी भी तरीके की अफवाह फैलने से रोकने के लिए ये निगाह रखी जा रही है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भड़काऊ बयान न दे, किसी तरीके की पोस्टरबाजी न करे, किसी भी तरीके का जुलूस या प्रदर्शन की इजाज़त इसको लेकर नहीं मिलेगी। और केवल ये अयोध्या ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में और उसके अलावा तमाम जो दूसरे इलाके हैं वहाँ भी सरकारों की तैयारी यही है और इसी का संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता कर रहे हैं, सरकारें कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को कहा है कि वो अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाएं और वहाँ लोगों को इसके लिए तैयार करें, समझाएं, क्योंकि अब फैसला आने वाला है और फैसला क्या आएगा ये सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा, लेकिन उससे पहले लोगों को इसको उनका जो माइंड मेकअप है वो करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि भावावेश में आकर कुछ भी कोई व्यक्ति कह जाता है और उसके जो परिणाम है वो बहुत दिनों तक, कई दिनों तक परेशान करते हैं समाज को और लोगों को। और इसी को लेकर पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार है। पुलिस हर जगह जो जिलों के DM हैं वो अपने अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने दिशा निर्देश किए हैं, तमाम एडवाइजरियां जारी की हैं। और उससे पहले जिस तरीके से WhatsApp पे एक संदेश चल रहा था उसको लेकर भी पुलिस ने क्लैरिफिकेशन दिया कि हमने इस तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, ना किसी की कॉल रिकॉर्ड हो रही है, ना कुछ हो रहा है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि किसी भी तरीके के भड़काऊ बयान या प्रदर्शन या मंदिर मस्जिद को लेकर किसी भी तरीके की चर्चा पर हम रोक लगाना चाहते हैं और वो रोक रहनी चाहिए। और इसको लेकर अब अयोध्या में भी ये है कि आप केवल न केवल बाहर सार्वजनिक जगहों पर, अपने घरों पर भी कोई भी व्यक्ति ईंट पत्थर या कांच वगैरह इस तरीके की जो आपत्तिजनक स्थिति है चीज़ें हैं उनको इकट्ठा नहीं कर सकता है, किसी भी तरीके से वो भड़काऊ बयान नहीं दे सकता, किसी से बात ज़्यादा जो राम मंदिर को लेकर कोई चर्चा नहीं हो सकती और ना कोई आयोजन हो सकता है मंदिर निर्माण से लेकर। साथ ही साथ अयोध्या में जो कार सेवकपुरम में एक पत्थर तराशने का काम पिछले के तमाम सालों से चल रहा था उसको भी अभी जो मजदूर वहाँ लगातार काम कर रहे थे अब उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है। और उसकी भी वजह ये एहतियात है कि जो जिस तरीके के फैसले आने की उम्मीद है और जैसे कि तमाम टीवी चैनल वहाँ रोज़ जा रहे थे और उसको एक बार बार उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे थे, उनसे बयान लेने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ दूसरे लोग जाकर भी थोड़े बयान जो दे रहे थे वो उस तरीके के नहीं थे जो कि होने चाहिए,
तो इस वजह से अब मजदूरों को कुछ दिनों के लिए छुट्टी भेज दिया गया है, उसके बाद फैसला आने के बाद वो दोबारा से अपने काम में जुट जाएंगे, इसकी पूरी संभावना है। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस ने अपने तमाम जो संगठन हैं, बीएसपी हो, बजरंग दल हो, इन सभी को सलाह दे दी है कि वो इस मुद्दे को लेकर किसी भी तरीके की ऐसी बातचीत न करें जिससे लोगों में उत्तेजना पैदा हो या जो जोश पैदा हो या किसी तरीके का पोस्टरबाजी या इस तरीके का हर चीज़ को संयम से काम लेने की उन्होंने एडवाइजरी जारी की है। और यही एडवाइजरी दिल्ली पुलिस की तरफ से भी अंदर है और पूरे केंद्र सरकार की तरफ से भी तमाम ऐसी एजेंसियों को लगा दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस मुद्दे पर लोगों को भड़काने की छूट नहीं दी जाएगी। और अगर सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति का जो पोस्ट है, वीडियो है या फिर संदेश है, वो अगर भड़काऊ पाया जा सकता है जाता है तो उसके ऊपर NSA यानी कि रासुका लग सकती है, इसकी पूरी संभावना है। क्योंकि आजकल जिस तरीके से सोशल मीडिया की एक पहुंच हो गई है तो सोशल मीडिया भी व्यक्तिगत बातचीत के तरीके से अब देखा जाएगा और उसी तरीके से उसका प्रभाव भी होता है, बल्कि उससे और ज़्यादा होता है। एक व्यक्ति अगर चार लोगों में खड़े होकर किसी को भड़काता है, उससे ज़्यादा अगर वो किसी पोस्ट के द्वारा, किसी वीडियो के द्वारा, किसी फोटो के द्वारा या किसी संदेश के द्वारा अगर ऐसा करता है तो उसकी जो पहुंच है वो 4 की बजाय 4,000 से लेकर 4,00,000 तक हो सकती है। तो निश्चित तौर पर आप सभी से हम ये कहेंगे कि आप संयम बरतें और श्री राम पर विश्वास करें, सुप्रीम कोर्ट के उस संदेश पर भी ध्यान दें जो सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है, यतो धर्म ततो जय। तो निश्चित तौर पर यहाँ जो तथ्य हैं, जो धर्म की जय होगी और धर्म की जय का जो एक संदेश है, हमको उसको आत्मसात करना है, बल्कि उसको लेकर उत्तेजित होकर किसी भी तरीके की टिप्पणियों से बचना है, किसी भी तरीके के जश्न या जुलूस से बचना है और शांतिपूर्वक जो भी फैसला आता है उसको पहले देखें, सुने, पढ़ें और उसके बाद आप अपनी भावनाएं अपने अंदर तक रखें। ज़्यादा उसको भावनाओं को जोश में लाने की ज़रूरत नहीं है, ना कि हो अल्लाह करने की ज़रूरत है, और इसमें किसी की हार हो या जीत हो इस तरीके से इसको नहीं लेना है, बल्कि देश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से सत्य की विजय होनी चाहिए। राम जी का मंदिर वहाँ था, मंदिर बनना चाहिए, इसकी सभी उम्मीद करते हैं और तथ्य भी यही कहते हैं। तो निश्चित तौर पर हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा और किसी भी तरीके की भड़काऊ जो पोस्ट होंगी उसको लेकर भी पुलिस की तरफ से एडवाइजरी इंटरनल चल रही है, वो कई ऐसे लोगों पर निगाह भी रख रहे हैं जिनसे उम्मीद है कि वो लोगों को भड़का सकते हैं या इस तरीके की लोगों के अंदर गलत संदेश भेज सकते हैं, तो पुलिस उन पर भी निगाह रख रही है। और इसको लेकर तमाम डिजिटल वॉलंटियर भी छोड़े गए हैं जो सादा वर्दी में या आपके बीच हो सकते हैं, तो वो आपके, इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप इसको लेकर किसी भी तरीके का उत्तेजनापूर्ण न संदेश भेजें, न फोटो शेयर करें, न कोई वीडियो डालें जिससे कि भावनाएं भड़कने की या उत्तेजना फैलने की, या फिर वो जो विरोधी चाहते हैं, कांग्रेस जैसे लोग, वामपंथी जो चाहते हैं कि फैसला आने के बाद में उससे दंगा भड़काने की कोशिश की जाए, देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाए और पूरी दुनिया में एक गलत संदेश दिया जाए, वैसा करने में उनको कामयाब न होने दें। आपको अगर ऐसा लगता है कि ऐसा व्यक्ति कोई भड़काने की कोशिश कर रहा है तो उससे या तो बचें या फिर उसको जो शिकायत है वो आप पुलिस तक कर सकते हैं। और निश्चित मानिए कि रंजन गोगोई अपने रिटायरमेंट से पहले सच बोलकर जाएंगे, सच के पक्ष में फैसला लेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट अपने ध्येय वाक्य यतो धर्म ततो जय की तरफ आगे बढ़ेगा, इसकी भी उम्मीद कर सकते हैं। जैसा कि अभी दो दिन पहले रंजन गोगोई ने अभी कहा भी है कि NRC को लेकर उन्होंने जिस तरीके से बात रखी उससे ऐसा लगता है कि अब वो बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए सामने आ चुके हैं। निश्चित तौर पर जो हमने आपको बताया कि 5-6 जो मामले हैं, बड़े बड़े मामले जो लटके हुए सुप्रीम कोर्ट में, उन सभी का फैसला वो करके जाएंगे। और दो दिन जो आखिरी के दो दिन उनके हैं उनमें शायद वो फॉर्मेलिटीज़ में रखेंगे। तो निश्चित तौर पर 14-15 तारीख से पहले ये फैसला आएगा। तब तक के लिए हम 8 वर्किंग डे बचते हैं और 10 अगर वैसे दिन कहे जाए तो 10 दिन बचते हैं। इन 10 दिनों तक हमें इंतज़ार करना है, हमें देखना है कि किस तरीके से फैसला आता है, कोर्ट किस तरीके से इस पूरी चीज़ की व्याख्या करती है और उस व्याख्या के बाद पूरे देश में इसको किस तरीके से स्वीकारा जाएगा। लेकिन सब शांतिपूर्वक होना है और इसी का संदेश प्रधानमंत्री पहले ही दे चुके हैं, गृह मंत्री भी कह चुके हैं, रक्षा मंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता भी कह चुके हैं कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसे सब भारतीय मानेंगे और उसे मानना भी चाहिए। निश्चित तौर पर
कोर्ट का फैसला सच के ही पक्ष में आएगा और तथ्यों के पक्ष में आएगा, इसकी आप विश्वास कर सकते हैं। और आप विश्वास कर सकते हैं कि जो कोर्ट है, कोर्ट में जो लोग बैठे हुए हैं वो समझदार लोग हैं और उनके सामने जो दलीलें दे रखी गई हैं उन दलीलों का वो पूरा सम्मान करते हुए फैसला देंगे। तो इसी के तहत जिस तरीके से अयोध्या के अंदर तमाम पुलिस फोर्स लगाई गई है, 2 SP वहाँ पर लगाए गए हैं और करीब 10 से 12 DSP वहाँ हैं और उसी तरीके से दूसरे एडिशनल SP भी लगाए गए, तमाम फोर्स वहाँ पर है और ये वो सब लोग हैं जो पहले कभी न कभी अयोध्या में तैनात रह चुके हैं। और इसकी वजह ये है क्योंकि अयोध्या ही इसका मुख्य केंद्र है, उसके अलावा मथुरा में भी तमाम संवेदनशील जगहों पर ये निगरानी रखी जा रही है, वहाँ भी फोर्स की तैनाती बढ़ाई गई है। काशी में भी ऐसा ही हुआ है क्योंकि इन सबसे ज़्यादा जो असर देखने को मिल सकता है इस तरह की चीज़ों का, वैसे तो जिस तरीके की तैयारी है उससे सारे जो उपद्रव की जो संभावनाएं हैं, जो भड़काने वाले लोगों की जो कोशिश चाले हो सकती है उनको नकारने की कोशिश पहले ही की जा रही है, लेकिन फिर भी जो 3 ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र हैं मथुरा, काशी और अयोध्या, वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार विशेष ध्यान रखते हुए सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।